सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़िया। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर आटे की कीमत में कमी वाक़ हो जाए, बिजली सस्ती कर दी जाए, तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी खबर होती है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन किस तरह से मुमकिन हुआ, गुज़िश्ता चार रोज़ में क्या कुछ होता रहा, वो तमाम मनाज़िर आप लोगों के सामने मौजूद हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने किस तरह से एहतजाज किया और उस एहतजाज में फिर क्या कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, और उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो तमाम मुतालबात थे इस एक्शन कमेटी के, उन मुतालबात को न सिर्फ माना गया बल्कि फौरी तौर पर चंद नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए और बड़े और अहम ऐलानात किए गए। और वो ऐलानात क्या थे, वो ऐलानात आपके गोश गुजार में कर देता हूँ। सबसे पहले तो बिजली के जो यूनिट हैं, 100 यूनिट तक निर्ख 3 रुपये फी यूनिट को मुकर्रर कर दिया गया। फिर 100 से 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे आज़ाद कश्मीर में, वो सिर्फ 5 रुपये फी यूनिट अदा करेंगे। और फिर 300 से भी ज़्यादा अगर कोई बिजली इस्तेमाल करेगा तो वो भी सिर्फ 6 रुपये फी यूनिट बिजली के निर्ख अदा करेगा। फिर अगर आटे पर आप आ जाएँ, इस वक्त जो सूरतयाल पिछले चंद महीनों में पूरे पाकिस्तान में रही है, किस तरह आटा महंगा हुआ और अभी भी जो किसानों का हाल है, आने वाले दिनों में क्या सूरतयाल रहती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल आज़ाद कश्मीर की हद तक हालात काफ़ी बेहतर आज नज़र आए, चूंकि मज़ीद 1100 रुपये की सब्सिडी अब इस पर दी गई है। और पहले जो आटा 3100 रुपये में ख़रीदा जा रहा था, वो अब 2000 रुपये में दस्तियाब होगा। यानी 20 किलो आटे का थैला अब आज़ाद कश्मीर में 1000 रुपये में मिलेगा। 50 रुपये फ़ी किलो आटा अब ये लोगों को दस्तियाब होगा। लेकिन इससे जो 23 अरब से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर पड़ेगा। और आज अनवारुल हक साहब ने न सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की और उन तमाम स्टेक होल्डर्स की तारीफ़ें की जिन्होंने इन मुज़ाकरात को न सिर्फ मुमकिन बनाया और मुतालबात जो थे उनको भी मानने का इंतज़ाम किया। तो क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़रा सुनिएगा, फिर मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो चौधरी अनवारुल हक साहब ने आज कही कि ये वक्ती रिलीफ नहीं है बल्कि ये कुल वक्ती रिलीफ है और ये एक परमानेंट रिलीफ है, ये मुस्तकिल रिलीफ है और आने वाले बजट का भी इन तमाम चीज़ों को हिस्सा बनाया जाएगा। तो जो कुछ आज़ाद कश्मीर में मुमकिन होने जा रहा है वो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, क्या इसकी उम्मीद पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के लोग लगा सकते हैं कि उन्हें भी सस्ता आटा या सस्ती बिजली या जो दीगर अशियाँ जिनकी कीमतें अभी मज़ीद आगे कम होने जा रही हैं वो सस्ती मिल सकें, क्या इस तरह से महंगाई पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी उसमें कमी लाई जा सकती है, इस पर हम जरा गुफ्तगू करते हैं। फिर कुछ सियासी मामला प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। कादिर मंदूखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, साक मिनाज साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादिर मंदूखेल साहब, ये जो कुछ आज आज़ाद कश्मीर में हुआ, जो ऐलानात हुए, जिस तरह से वहाँ बिजली सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, दीगर अशिया भी वहाँ सस्ती की जाएंगी, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी इस तरह के इकदाम उठाना इस वक्त आपको या आने वाले दिनों में मुमकिन नज़र आ रहा है या कैसे मुमकिन हो सकता है? जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके मुतालबा जो भी है, यकीनन पाकिस्तान के दूसरे सूबों के लोगों को भी हक है, जहाँ सिंध से 89% गैस निकल रहा है और यहाँ पे डबल कीमत में भी गैस नहीं मिलते हैं, बलूचिस्तान से गैस निकल रहा है, बेसिकली वहाँ पे क्वेटा के अलावा किसी और ज़िले के पास गैस नहीं है, इसी तरह पुख्तनख्वा से गैस निकल रहा है, वहाँ वो सहूलत नहीं है। चलो ठीक है, अगर आज़ाद कश्मीर में उनको सहूलत दे दिया तो अच्छी बात है, मगर इसके पीछे जो है ना, अगर जिस तरह इंतशार फैला रहे थे और ख़ास तौर पीटीआई के लोग, जिस तरह उनकी पुलिस और उनकी मार दाड़ और नकाबपोश जो लोग उनके अंदर थे और वो सारे जब ये तशद्दुद कर रहे हैं, पुलिस वालों को ऊपर से गिरा रहे, एक तो शहीद भी हो गया, तो इसके पीछे मैं यकीनन ये कहूँगा कि पीटीआई तो शरारत कर ही रही थी सोशल मीडिया पे इसको उछाल के, इसमें भी मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का भी कोई ना कोई वहाँ पे आत होगा, जिस तरह पुरशदुद वाकयात हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अच्छा है गवर्नमेंट ने उसको टैकल कर लिए, अच्छी बात है। और लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि फिर सिंध का क्या कसूर है, फिर बलूचिस्तान का क्या कसूर है, जहाँ गैस निकलती है और वहाँ डबल कीमत में नहीं मिल रही। कराची पे हम लोग रहते हैं, यहाँ तो जून जुलाई में इस सख्त गर्मी में भी गैस की लोड शेडिंग है, मानिए ने डबल कीमत भी मिलने को तैयार नहीं है, यहाँ सिलेंडर का राज है, मेरे अपने घर में सिलेंडर चल रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने जो शुरू में ये मुज़ाकरात होने थे उनको मेरे ख्याल में सही तरीके से उन्होंने टैकल नहीं किया, जिससे ये तकरीबन जो एक लावे की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा चलो अच्छा हुआ
कि एक जो साजिश शुरू की थी और आज़ाद कश्मीर की, और वहाँ पे जो लोग नारे लगा रहे थे और फिर इस तरह जो पीटीआई वाले उसकी तशहीर कर रहे थे, अपना बदला आज़ाद कश्मीर के लोगों को जरिए ले रहे थे, तो वो एक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता। जिस पहलू की आप निशानदेही कर रहे हैं कि अगर तो आपको ये शक है कि बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्वज़ हो सकता है, उसकी वजह से फिर ये मामला ख़राब हुए, तो फिर ये मामला अब यहाँ पर तो नहीं रोक देना चाहिए, फिर तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता चल सके फिर कभी दोबारा इस तरह के एहतजाज या ये इस तरह की इंतशार वाली कैफियत ना हो। बिल्कुल यकीनन मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप बिजली 100 रुपये तक, 3 रुपये तो पाकिस्तान में कितना है, 300 तक, और 300 से आप बहुत 6 रुपये और पाकिस्तान में कितनी है, और फिर उस तरह आटा देख ले कि यहाँ पे 3900 पे जो पिछले साल का रेट है जो किसानों से खरीदने का था, और आम तौर पे आटे की बोरी कितने की मिल रही है, फिर इस तरह बिजली ले लो, गैस ले लिए। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सही तरह से टैकल नहीं किया गया। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात का दावा करें कि मंगला डैम बनाने के लिए हमने ज़मीन दी है, तो ज़मीन की पेमेंट कर दी गई है, और अगर वहाँ बिजली की थोड़ा बहुत जो आ रही है रसाई, तो क्या बाकी जो जो खाने पीने की या जिंदगी की जो अशिया है, तो क्या पाकिस्तान की दूसरों सूबों से नहीं आती है, तो फिर उसका भी तो हक है ना। मैं इस लिहाज से कह रहा होता ना कि उसको बिल्कुल एक लावे की शक्ल इख्तियार तक आना ना चाहिए, ये मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे इतफाक करता हूँ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी वजीर मुशीर जो ना उसमें हैंडल कर रहे थे तो वो प्रॉपर हैंडल नहीं किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरह एक जलाओ गिराओ और फसाद की एक लेयर शुरू हो गई है, तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता था, उस पर काबू पा लिया है, बहरहाल ये बेहतर है। ठीक है, तो मुश्ताक मीना साहब, जाहिर है आप तो बहुत करीब से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कादिर मंदूखेल साहब का जो ख्याल है या जो खदशा है, क्या उससे आप भी इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्वज़ था जो ये 4 दिन तक ये पूरी एक्टिविटी चली है, और जाहिर है कि इसमें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। देखिए, ये एक मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पीटीआई के हमारे दोस्तों का कोई हाथ है, ये मुख्तलिफ ख्याल लोग थे जो इकट्ठे हो गए और एक काज के ऊपर चल पड़े। बुनियादी तौर पर इनके 3 मुतालबे थे। इनका पहले मुतालबा था नंबर 1 के अपना बिजली के निर्ख जो है वो कम किए जाएं। दूसरा मुतालबा था इनका कि आटा सब्सिडी जो है वो उसको जो है ना बेहतर किया जाए, और तीसरा मुतालबा था कि वहाँ जो अशराफिया है या जो बालदस्त तबकात हैं उनकी जो मरात हैं उनको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। ये 3 मुतालबात थे। 2 मुतालबात अभी पूरे हुए हैं, जो मुजाहरीन हैं वो कोहाला से आगे निकल पड़े हैं और मुजफ्फराबाद शहर में इस रिलीफ के बावजूद एक गमसान की जंग का इस वक्त मंजर है। वहाँ पर लाठीचार्ज की जा रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है, वहाँ रेंजर्स जो है ना वो लोहार गली और बरारकोट के मुकाम पर रेंजर्स के साथ तसादम हो रहा है। तो वो लोग इसमें यकीनन कामयाब हो गए जो आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने चाहते हैं कि अब इंडिया की नंबर 1 मीडिया की ये टॉप स्टोरी है, और मोदी साहब वहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मरहला इस मौके इस यहाँ तक कैसे ये इस तहरीक का पहुँचा कि आज ये पुरतशद्दत कार्रवाई हुई है, पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों ने मुजाहरीन को मारा, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो कृषि अपने जान से गया। तो ये इस सारे लोगों की कोई जिम्मेदारी भी तो किसी पे डाली जा सकती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट है जिसमें PMLN भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भी शामिल है जी। ये इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, तो एक इसलिए इस हुकूमत का बोझ उठाने के लिए ना पीपल्स पार्टी वाले तैयार हैं, ना PMLN वाले तैयार हैं, ना उनकी कोई अपनी जमात है। तो जब आपको एक पॉलिटिकल सेटअप के अंदर एक पार्टी लेस गवर्नमेंट हो और उसका प्राइम मिनिस्टर पार्टी लेस हो, तो उससे बहुत ज्यादा कवाहतें पैदा हो जाती हैं। कोई स्ट्रीट लेवल पे कोई कारकुन, किसी जमात का कारकुन वो अपनी पार्टी को डिफेंड करता है, अगर PTI की गवर्नमेंट है तो PTI का वर्कर डिफेंड करता है अपनी गवर्नमेंट को, अगर PMLN की पार्टी की गवर्नमेंट है तो PMLN का वर्कर डिफेंड करता है, पीपल्स पार्टी का वर्कर अपनी जमात की पॉलिसी को डिफेंड करता है। लेकिन ये अनवार सरकार जो है
माजद के साथ जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारी जमात भी शामिल है, लेकिन इनकी तमाम तर जो है वो मुश्ताक साहब बहुत कम ये होता है कि मुस्लिम लीग नून किसी मामले में शायद ही कभी हुआ कि पीटीआई को क्लीन चिट दी, लेकिन जिस तरह अभी आपने इस मामले में पीटीआई को क्लीन चिट दी कि ये लोग शामिल नहीं है बल्कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग शामिल हैं, तो ये आपने ये पार्टी की राय भी है ये बतौर मजमूई या फिर ये आपने सिर्फ ये अपनी राय का इजहार किया और जो अपने तजुर्बे से आपने देखा है वो आप उसको बयान कर रहे हैं? वो देखें जी, हमारी बड़ी गहरी नज़र है, हम इसकी एक एक चीज़ को एक एक हम लोगों को जानते हैं आज़ाद कश्मीर के जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हैं। पीटीआई हमारी सियासी मुखालिफ ज़रूर है, लेकिन चूंकि कादर मंदोखेल भाई ने चूंकि उनका नाम लेकर कहा तो चूंकि मैं एक चीज़ खुद जानता हूँ, जहाँ पे पीटीआई मुल्क दुश्मनी करेगी, कोर कमांडर के घरों पर हमला करेगी, अमलाक को जलाएगी, जीएचक्यू पे हमला करेगी, पीटीवी पे हमला करेगी, पार्लियामेंट हाउस पे हमला करेगी, तो हम जरूर बड़े खुल के उसके नकाद हैं। लेकिन जहां पर पीटीआई नहीं होगी और पीटीआई का कोई नाम लेकर ये कहे कि पीटीआई के कारकुनान इसमें मुलव्वस हैं, तो हम हमारे मेरे कम से कम मैं अपने जमीर की हद तक मैं समझता हूँ कि अगर मैं समझता हूँ कि पीटीआई के कारकुनान वो नहीं है, हम सब लोगों को जानते हैं, आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, हम लोगों की एफिलिएशन को भी जानते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन को भी जानते हैं, उनके नजरियात को, उनके माजी के किरदार को जानते हैं, है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के, हाँ यकीनन मैं आपको इस मार्च के अंदर पीएमएलएन के कारकुनान भी हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी हैं, पीटीआई के कारकुनान भी हैं, सब जमातों के कारकुनान हैं और सारे जो है सिविल सोसाइटी इसके अंदर है, और इसके अंदर जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं इसके अंदर, और ये भी कहा जाता है इसमें जरा यकीनन आपको पता है रा का भी एक नेटवर्क है, मुजफ्फराबाद रावलाकोट के अंदर एक मुजाहिद रहनुमा को यहाँ पर मस्जिद के अंदर शहीद किया गया, और भारत की तरफ से एतराफ है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो किलिंग्स हुई हैं वो रा ने करवाई हैं, तो रा का भी अपना एक नेटवर्क है, वो लोग भी इस मार्च का हिस्सा है, तो मैं नहीं कहता कि ये कोई को किसी एक जबात का मार्च है, ठीक है, सारे लोगों का मार्च है, उम्मीद और दुआ तो ये है कि जल्द से जल्द ये मामला निमट जाए और जाहिर है वहां पर हालात ये मामला को हल हो, लेकिन ये एक आवाज थी कि जैसे मैं सिर्फ अरबाब भाई से एक बात कहूँ कि आजाद कश्मीर और पाकिस्तान का स्टेटस एक नहीं है, ये जो बात कहते हैं कि यहाँ पर बिजली पैदा हो गई है तो वहां पर सिंध में ज्यादा है तो फलां जगह पर कम है तो फलां जगह पर हमें भी चाहिए, आजाद कश्मीर के लोगों को वो हुकूक हासिल नहीं है इस वफाक पाकिस्तान के अंदर, आपको सेनेट और नेशनल असेंबली में आपके तो नुमाइंदे बोलते हैं, हम कहाँ पर जाकर बात करें, आप एनएफसी अवार्ड वहां पर करते हैं तो हमें कौन सा एनएफसी अवार्ड मिलता है वहां पे, हम जाकर वहां पर आप लोग बैठ के फैसला करते हैं कि नेट टाइटल प्रॉफिट क्या होना है, हम जाकर वापडा के अफसरों की मिन्नतें करते हैं कि जी हमारे साथ वो सलूक ना करो जो दुश्मन के साथ होता है, चले तो मुशाक साहब बिल्कुल जाहिर आपके रिजर्वेशन भी अब पहुंच रहे हैं लोगों तक, हुकाम हालत तक भी, पॉलिसी मेकर से भी, रिफॉर्म के अंदर ये कहें कि कितना, ये कोई ताने मेने की बात नहीं है कि यहाँ सस्ता हुआ, हम तो कहते पूरे पाकिस्तान में सस्ता हुआ, बिल्कुल अब ये कैसे होगा जाहिर है यही हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी वही हालात हों जो कि वहां पर पैदा, वो हालात मतलब जो अब पैदा होना शुरू होंगे जिस तरह मामला अभी डील किए जाएंगे। मुशाक साहब वापस आपकी तरफ जरा मैं आता हूँ जरा वापस आपकी तरफ, नदीम कुरैशी साहब ये हमने देखा कि जो हुकूमत ने वहाँ पर फौरी तौर पर प्रोटेस्टर्स के मुतालबात को माना, आगे उम्मीद है कि मामला और बेहतरी की तरफ जाएंगे, अमन कायम होगा वहाँ पर जल्द से जल्द, अब ये जो पाकिस्तान में इस वक्त मामला चल रहे हैं आप लोगों को माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर हालात आगे चलेंगे कैसे, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर ये जो डायलॉग है वो कैसे शुरू हो सकेगा, हुकूमती जमातों से आपको करने नहीं है, जिनसे आपको करने है वो माफ़ी के बगैर राजी नहीं है, तो अब ये क्या सूरत हाल आगे बनेगी यहाँ पर हमारी मुल्की सियासत में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो मैं मुश्ताक बिनास साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले 2.5-3 साल में मैंने पहली एक मौतदिल वॉइस सुनी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने जमीर के मुताबिक एक जो चीज देखी, जो ऑब्जर्व की, जिसका तजिया किया, उसी का इजहार किया। काश अल्लाह ताला बाकी लोगों को सोए हुए जमीरों को भी थोड़ी सी जागने की तौफीक अता फरमा दे ताकि लोग हक बात कहें। अभी कादर मंदोखेल साहब लॉ ग्रेजुएट है, मुंतखब हुए थे लास्ट टाइम, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, इंतहाई अफसरदगी तकलीफ और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए बायसे शर्मिंदगी और निदामत है कि बगैर तस्दीक किए ये इल्जामात लगाना, मैं नहीं समझता कादर मंदोखेल साहब जैसे पढ़े लिखे शख्स को ये चीज शोभा देती है। मतलब पाकिस्तान में अब कोई भी अगर जुर्म होना है, अगर कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स
बच्चों से मोबाइल छीन कर और उनको गोलियां मार रहे हैं, कच्चे में छह छह दस दस बारह बारह साल के बच्चों को डाकू या गमाल बनाकर उनसे भत्ता और तावान तलब कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर शहर में जो इस वक्त कानूनियत का बाजार गर्म है, ये सारे जरायम इनके पास बड़ा आसान है। ये दुनिया की पहली बदनसीब हुकूमत है कि जो एक तो अवामी वोटों से मार्ज वजूद में नहीं आई, इनका आगाज ही जाली फॉर्म 47 से है और इनका रवैया भी उसी तरह से है जैसे जालसाज करते हैं। इन सब ने एक वतीरा बनाया हुआ है कि हमने पब्लिक वेलफेयर का कोई काम नहीं करना, हमने भूख से मरते आम आदमी के लिए रोटी का बंदोबस्त नहीं करना, हमने सिर्फ इस मुल्क की अशराफिया को प्रोटेक्ट करना है। ये जो 2.5 लाख लोगों ने जो मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और 22-23 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, वसाइल इनके पास है, पैसे इनके पास है, बैरून मुल्क जनादे इनके पास है, इंटरनेशनल रबते इनके पास है, बाकी सब इनके गुलाम है। अब इनके पास हल कोई नहीं है, इनके पास एक ही हल है, जो चीज भी हो वो तरीके इंसाफ पे डाल के जान छुड़वा दे। तो मैं तो आपके प्रोग्राम में मुश्ताक मिन्हास को सलूट पेश करता हूँ। काश हमारा कलमकार, हमारा तज़िया निगार, हमारा सहाफी हक के मुताबिक बात करे। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आपको गुजारिश कर दूं, आप कोई भी शख्स, कोई भी वतन शख्स कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने अपने मुल्क की इज्जत के लिए किसी शर्मिंदगी का बाइस बने। आजकल जिस टॉपिक को आप लोगों को कहकर मौजूद बहस बनाया जा रहा है, और मुझे 100% यकीन है कि गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी यही है कि किसी भी तरह लोगों की तवज्जो तकसीम करने का इससे बेहतर हल नहीं मिल सकता, किसी भी तरह इसी टॉपिक को जेरे बहस लाया जाए ताकि ना गंदम के काश्तकार की हालत हजार पे बात हो सके, ना हर रोज पंजाब जैसे सूबे में और सिंध में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जिनकी चार चार छह छह महीने की सैलरी जिनको नहीं मिल रही, ना उनकी बात हो सके। बिल्कुल, और नदीम साहब देखें कि जिस टॉपिक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो जाहिर है कि आजकल मौजूद बहस है, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज हमने अभी इस मसले पर किया कि जो कुछ आज आज़ाद कश्मीर में हुआ है, जो ऐलानात वहाँ हुए हैं, वो पाकिस्तान में कैसे होना मुमकिन है, यहाँ पर किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। अरबाब साहब, सबसे पहले आजाद कश्मीर की हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए। जिस दौर में लुट जाए मजदूरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। ये पाकिस्तान को आज इन अरस्तुओं, अफलातूनों और इन चे गुवेराज ने जहां पहुंचा दिया है, पाकिस्तान का नौजवान बड़ा मुतनफ्फिर है। मैं खुदा जानता है पाकिस्तान मेरा इश्क है, मैं अपनी माँ की तरह पाकिस्तान से प्यार करता हूँ और क्यों ना करूँ, ये धरती मेरी पहचान है, इसने मुझे शनाख्त। मेरे बुजुर्ग 1947 में हंसते बसते 700-800 साल की अपनी रिहाइशें, अपना सब कुछ छोड़कर अगर इस मुल्क में आए थे, इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ हम पर हर रोज कोई नया इल्जाम लगे, हम इसलिए आए थे कि हम कायद आजम के उस रियासत में जिंदा रहे जो मॉडर्न इस्लामिक रियासत। यहाँ ये दो ढाई लाख लोगों ने इस पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। ये जिसको चाहे गद्दार करार देते हैं, ये जिसको चाहे मुल्क दुश्मन करार देते हैं, ये जिसको चाहे इंतशार पसंद करार देते हैं। हुकूमत लोगों की खैरखाई करती है। ये कश्मीर जैसे हालात, मुश्ताक मिन्हास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी खतरा है। बिल्कुल नदीम साहब, ये आप जाहिर है कि अगर कुछ पॉलिटिकल केसेस की या विक्टिमाइजेशन की बात करें तो वो आप लोगों के दौर में भी किस किस रानुमा पर पीएमएलएन के पीपल्स पार्टी पर वो केसेस नहीं बने, फिर वो उस दौर में आप लोग साबित भी नहीं कर सके। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मंदू खेल साहब भी नदीम कुरैशी साहब की बात पर मुस्कुरा रहे थे, शायद वो मुश्ताक मिन्हास साहब को उन्होंने सलूट किया तो उस पर वो मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए, उस मुस्कुराहट की वजह भी पूछेंगे और फिर जो आगे किस तरह से मामला लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़ी अपोजिशन जमात है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस खलीज को कम कैसे करना है, सिस्टम आगे चलेगा या नहीं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि अगर सियासतदानों ने आपस में हाथ ना मिलाया, साथ ना बैठे, तो फिर शायद जो इन मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनका हल पार्लियामेंट में भी नहीं निकल सकेगा। तो अब एक तरफ मुफाहमत का रवैया है, लेकिन दूसरी तरफ फिर इल्ज़ाम तराशी भी अपोजिशन पर जारी है। जिस तरह अभी प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में मंदू खेल साहब ने कश्मीर की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलविस करार दिया, तो ज़रा उन्हीं से पूछते हैं कि उनके पास क्या कोई इस तरह के ठोस सबूत मौजूद हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, या फिर बस उन्होंने थोड़ा जोश खिलाफत में इल्ज़ाम लगा दिया। तो मंदू खेल साहब, ये अभी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब उस पूरी सूरत हाल में मुलविस करार दिया, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि अगर मुफाहमत को लेकर आगे चलना है, पार्टी लीडरशिप से मुफाहमत का पैगाम आएगा और अगर फिर इस तरह के इल्जाम का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा, तो फिर अपोजिशन को कैसे एंगेज कर सकेंगे सिस्टम में लाने के लिए? पता नहीं, मेरे ख्याल में मुश्ताक मिन्हास साहब जो है ना, वो
कभी पाकिस्तानी बनते हैं, कभी कश्मीरी बनते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो बातें उन्होंने की है। और सबूत मैं आपको ये दे रहा हूँ, आज का दिन ख्वाजा आसिफ का बयान देख लें, उसने सोशल मीडिया में जो वार्निंग दी है, धमकी दी है, वो किसको दी है? और फिर मुश्ताक मिनास आप कह रहे थे कि हम भी शामिल थे, फलां भी शामिल थे, और खुद मुख्तार कश्मीर के काज लेने वाले भी शामिल थे। दूसरी बात ये कि वो एकदम पीटीआई की तारीफ करने लगे कि यहाँ पे एक चीज तो ये जो बेटा उसको ठीक है, ये नदीम कुरैशी साहब तो जान छुड़ाएंगे, मगर आपने सपोर्ट किया है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो आप पाकिस्तान के अंदर भी जो महंगाई है या जो बलूचिस्तान वालों का हुकूक है, सिंध वालों का है, खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान के, तो काश आप उनके लिए भी बात करते, सिर्फ अपनी गर्ज की बात ना करते। पता नहीं क्यों कभी जाके वो कश्मीर की सियासत करते हैं तो वहाँ कश्मीरी बनते हैं, फिर पाकिस्तान के आता है तो फिर वो पाकिस्तान की बात करते हैं, और उन्होंने पीटीआई को क्लीन चिट दी है। तो सबूत आपने पूछा तो ख्वाजा आसिफ का आज बयान देख ले, उन्होंने जो सोशल मीडिया वालों को धमकी दी है तो किसको दिए? वो सोशल मीडिया पे जो सारे फुटेज चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं? तो ये जरा मुश्ताक मिनास साहब भी बता दे या ना बताए, ख्वाजा आसिफ से पूछे कि आपने धमकी किसको दी है? कोई हिंदुस्तान वालों को तो नहीं धमकी दी है, हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है, वो तो करेंगे, मगर जब वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो किसके खिलाफ करना चाहते हैं? तो वो बता दे कि उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग थे या जो खुद मुख्तार का जो मैसेज है, अगर वो आपके लोगों के सामने आपके जहन में मौजूद है तो दो जुमले उसके बता भी दीजिएगा, ताकि फिर वो कोट करके फिर मुश्ताक साहब के सामने रख दिया जाए कि वो मेरी नजर से गुजरा नहीं है। देखिए मुश्ताक साहब ने ये कहा, मुश्ताक मिनास साहब ने कहा कि पीटीआई के लोग नहीं है, और ये कहा कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का और खुद मुख्तार कश्मीरी का। अब आप मुझे बताओ जो खुद मुख्तार कश्मीरी का नारा लगा रहा है, कश्मीर का नारा लगा रहा है, उनकी तो हम जनाजे भी नहीं चाहते, क्योंकि आप तो कहता है कश्मीर पाकिस्तान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये मुश्ताक साहब नया फार्मूला कहां से लेके आए जो वहां नारे लगा रहे थे, आजादी हिंदुस्तान से लेगी, आजादी पाकिस्तान से लेगी? आपने भी सुना, और अगर नहीं सुना तो ख्वाजा आसिफ का जो आज बयान है, आज धमकी थी जो सोशल मीडिया वालों को, तो वो किसके लिए थी? वो उनके अंदर जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे उनके लिए थी या वो पीटीआई के लोगों की थी? तो ये खुद उसको वाजे कर दे। लेकिन जो उन्होंने रेट की बात की, थोड़ा सा वही ये भी रियलाइज कर दे एक बात पे, तो कम से कम वो मुतफिक हो गया कि इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी किसके खिलाफ होना चाहिए? एक वजीर आजम तो नहीं जिम्मेदार, किन लोगों ने डील की है? आपका कश्मीर अफेयर्स का जो वजीर है वो किस खेत की मूली है, उसके क्या काम है? और मुजाकरात क्या कोई नीचे कोई वार्ड लेवल के लोगों ने किया उनके साथ? तो उसकी इंक्वायरी तो आप भी मुतफिक इंक्वायरी होना चाहिए। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का भी उस पर फौरी तौर पर उन्होंने फंड्स को जारी करने और एक पॉजिटिव पेशरफ्त उन्होंने भी इस पूरी सूरत हाल में दिखाई है। देखिए फौरी तौर पे मैं उसको मैंने अप्रिशिएट भी किया है कि फौरी तौर पे जो 23 अरब दिए या ये जो 3-3 रुपए रेट थी, 3-3 तो यहाँ गाजर मूली नहीं मिलती है, यहाँ तो 50-60 रुपए रेट हम देते हैं, बिजली निकलने के बावजूद, गैस निकलने के बावजूद डबल रेट भी नहीं मिलता है। तो ये तो खुशनसीब है आजाद कश्मीर वाले और मुश्ताक मिनास साहब वाले कि वो हमारे खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं और हम उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं। ठीक है, हम तो पाकिस्तान समझ रहे हैं, मुश्ताक मिनास साहब खुद मुख्तार कश्मीर भले उसको समझे। ठीक है चलो, ये साथ साथ जो नदीम कुरैशी साहब ने उनको सलूट किया है, साथ में जो ना तोलिया में जो पत्थर मार मार के इनकी क्यादत को वो भी जरा दोबारा सुना दे उनको। और मुश्ताक और नदीम कुरैशी साहब जो कह रहे हैं कि सिंध में 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिले, वो खुदा का वास्ता कोई मुखालफत में ऐसी बात कर लें जिसमें कोई वजन भी हो, आप मुझे डिपार्टमेंट बता दें। सर वो अपने अमान की भी तो बात कर रहे हैं ना, जो स्ट्रीट क्राइम, जो कच्चे के डाकू रिप्रेजेंट कर रहा था, मुझे तो एक एक डिपार्टमेंट उंगली भी याद है। वो असल तो आप एक डिपार्टमेंट बताओ जो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिले, तो खाओ इल्जाम लगाओ तो कुछ सबूत के साथ भी कर लो। चले अब जरा नदीम साहब से पूछेंगे कि उनके पास क्या सबूत है, लेकिन जरा बता दो मुश्ताक साहब पर जो बड़े आपने सवाल खड़े कर दिए कि उनकी जो पार्टी की क्यादत है वो अलग बयान दे रही है, मुश्ताक साहब ने अलग बयान दिया है। जी मुश्ताक साहब, तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है और जो दीगर लीडरशिप का बयान है वो ज़ाहिर है आपके ख्यालात की नफी करता है, आपका बयान उनके ख्यालात से मुख्तलिफ है, तो अब क्या जवाब देंगे कादिर मंदूखेल साहब? शहबाज साहब, मैंने तो कोई ऐसा बयान नहीं सुना ना देखा है, मैंने तो उन्हीं की जबानी सुना है, लेकिन उन्होंने अगर दिया भी होगा कि सोशल मीडिया जो आपको पता है वो यूज करने वाले कौन लोग हैं। मुझे एक बात कादिर मंदोखेल ने कहा कि मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, उन्होंने एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जब ये पीटीआई के लोग करवा रहे हैं, तो मैंने उसकी हवाले से बात की है कि मैं चूंकि हम उस मार्च को
बड़े गौर से देख रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी भी और पीपल्स पार्टी भी वहाँ हुकूमत का हिस्सा है, हमारे भी और उनके वजीर हैं, तो हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं या पीएमएलएन के जो लोग हैं वो कारकुनान के अंदर भी मौजूद हैं और हुकूमत के अंदर भी मौजूद हैं। खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई इतना जो है वो कोई ऐसे लोगों के नजरियात अपने अपने होते हैं। जब भी आप इलेक्शन, हम इसलिए कुछ उन लोगों को कुछ कहते नहीं है कि हमारा नजरिया अपना बड़ा तकड़ा है, हमारा नजरिया है कि पाकिस्तान के साथ इलाज का नजरिया है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता जो है वो खून का रिश्ता, जो वो मजहब का रिश्ता है, वो पाकिस्तान के साथ हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है। तो हमें अपने नजरिए और अकीदे के ऊपर बड़ा यकीन है। अगर उसके मुकाबले में कोई और नजरिया या कोई खुद मुख्तार कश्मीर की बात या उसके नारा लगाता है तो हमें उससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, हमने अपना पैगाम लेकर चलना है। आजाद कश्मीर में भी बड़े अरसे तक जो है ना इसके ऊपर बड़ी बहस होती रही कि कौन से नजरियात हैं, तो हम क्या किसी और नजरिए को नाम लेने वाले को, आप तो कहते हैं जनाजों में नहीं जाना चाहिए, क्या इतना सियासत में इतनी पोलराइजेशन होगी, क्या वो बंदूक लेकर आए, क्या अगर कोई आदमी पुरमन तरीके से अपना गैर मुतशद्दिद किस्म की तहरीक के जरिए अपने नजरियात को लेकर चले तो क्या उसको मार देना चाहिए, उसको सफाई हस्ती से मिटा देना चाहिए? नहीं, हमें यही जो मुख्तलिफ हमें अपना पैगाम देना चाहिए लोगों को। अगर कोई हिंदुस्तान की बात करता है, मकबूजा कश्मीर की बात करता है, वहां पे मोदी की बात करता है या खुद मुख्तार कश्मीर की बात करता है, तो हमें अपने, जब अगर हम समझते हैं कि हमारा नजरिया सच्चा है, और जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन एक तरह का रेफरेंडम होता है, उसमें आपको पता लग जाता है कि कौन सी पार्टीज जो है ना इसमें हिस्सा ले रही है, इनका क्या नजरिया और अकीदा है, तो 99% लोग जो है वो इलाके पाकिस्तान के नजरिया वाली पार्टियों को वोट देते हैं, तो उन पार्टीज को तो वोट भी कोई नहीं मिलता, तो मैं क्यों उनसे खौफजदा हो जाऊं? सही, चले मुशर्रफ साहब, वहां पर तो आप इलेक्शन को रेफरेंडम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुल्क के दीगर हिस्सों में तो ज़ाहिर इलेक्शन ही सबसे बड़ा मसला बना हुआ। कादिर साहब, ये जो फैसला है, चले ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर कादिर साहब के सामने सवाल रहे। तमाम असम्बलियों में जो अददी अक्सरियत है वो हुकूमती जमात की कम हो रही है, तो अब क्या अपोजिशन को इंगेज करना है, किस तरह से मुजाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाना है, एक ब्रेक के बाद बात करें। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो नदीम कुरैशी साहब, ये ज़ाहिर है इलेक्शन के बाद से अब तक आप लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कवर में, अब ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अदालतों पर एतमाद बहाल हो रहा है, आज 77 अरकान को डी सीट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आप लोगों की दरख्वास्त थी, तो इसके बहाद कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को क्या वहाँ रिलीफ मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है? हर कानून पसंद, आइन पसंद और पार्लियामेंट पर एतवार करने वाला शख्स इस बात पर यकीन रखता है कि हमारे जितने दाखिली मसाइल हैं, बिलखसूस पॉलिटिकल मसाइल, इनका हल जब भी निकलना है मुस्तकिल बुनियादों पर, वो निकलना आइन के ताबे होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला किया कि बड़ा खुशाइंद है, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल किया, ये उससे भी बड़ी खुशाइंद बात है, इसका किसी को बेनिफिट हो ना हो वो पूरे किसान की बात है। असल बात यह है कि कानून पर अमल बराबर हुआ। पाकिस्तान का आइन बड़ा वाजे है कि जिस तनासुब से कोई जमात इंतखाबात में नशिस्तें हासिल करेगी, उसी तनासुब से उसको उसको मखसूस नशिस्तें अलॉट होंगी। तो ये बड़ा एक अजीब किस्म की पदरपांट हुई थी। तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि इस तरह के फैसले ही हमें एक ऐसी लाइन की तरफ लेकर जाएंगे जहाँ हम आइन की अमलदारी को, आइन पर और कानून पर अमल करने को अपने लिए निजात का जरिया समझेंगे। जहां तक बात है आने वाले हालात की, तो मैं तवक्को यही रख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी तमाम अदालतें, वो हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट्स हो, वो कानून की अमलदारी करवाने में अगर अपना वाजे रोल प्ले करेंगी तो ये बहुत सारा इंतजार खत्म हो जाएगा। और मैं तवक्को रख रहा हूँ जो 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने बिला तख्सीस कराची से पेशावर तक और क्वेटा से लेके पंजाब के शहरों तक जो वोट कास्ट किया, वो वोट काउंट होगा, वो फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नतीजे मुरतब होंगे, तो पाकिस्तान का सियासी नक्शा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। और यहाँ लोगों को इस बात पर आप यकीन करना पड़ेगा कि अवाम की ताकत ही असल ताकत का सच चश्मा है, जो हम लफ्जी तौर पर कहते हैं कि जी अवाम ताकत का सच चश्मा है, मानते नहीं है। हम नारे बुलंद करते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन हम उस वोट को बिल्कुल इज्जत नहीं देते
जो हमारे अपोनेंट का आस होता है, हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन हम अपने मुखालिफ से अपने तरीकाकार के मुताबिक इंतकाम लेने को अपनी तस्कीन तबाह का बाइस समझते हैं। तो मैं तो इस फैसले से बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा ये आइन की जीत है, ठीक है, ये कानून की जीत है, ये उस निजाम की जीत है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है, एक ऐसी हमारे पास मशले रहा है, जिन लोगों ने भी वो कानून आइन बनाया था, अल्लाह उनको जदोद फिरदौस पे जगह दे और जो हयात है उनकी हयाती अल्लाह पाक करे। मैं समझता हूँ ये वाहिद हमारे पास रास्ता है कि हम इस सियासी खलफशार से अपने नौजवान, ठीक है, आप चलें इस फैसले पर। अब जाहिर है हुकूमत की जमातों की चूंकि अददी अक्सरियत कम हुई है, तो अब मंदू खेल साहब, ये इस जमात पर हुकूमती जमातों का खासतौर पर पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ़ है? और फिर अभी तो ये मामला सिर्फ इजाफी नशस्तों तक है, अभी अगर ट्रिब्यूनल्स के फैसले आना शुरू हो जाएँ, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की एक दो बयान अगर हम सुने जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर गंदम के मामले पर मुझसे फला फला बात पूछी गई तो मैं फॉर्म 47 का भांडा फोड़ दूंगा और वो फिर मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, तो ये उनके बयानात और ये हालात, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात आप कम होती देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मंदू खेल साहब, देखिए पहली बात तो ये कि आज डिक्टेटर अयूब खान के पोते ने, जो इनका पोलिटिकल लीडर है कौमी असम्बली में, जो बेनजीर भुट्टो शहीद के वाक्य को एक बम ब्लास्ट करार दिया और उसको 9 मई से जोड़ा गया, तो लिहाजा मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ, और न तो वो बम ब्लास्ट था और ना वो 9 मई से आप जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आवाम पर जो गुस्सा था उसमें कोई जरदारी साहब या बिलावल साहब ने लोगों को हिदायत नहीं की है, और वहाँ कोई फौजी तनसिबात पे हमला नहीं हुआ, वहाँ कोई शहीदों के यादगारों पे हमले नहीं हुए। दूसरी बात ये कि मैं फिर शुक्रगुजार भी हूँ नदीम कुरैशी साहब का, जो 1973 की आइन को बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया, ये किरण शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ये कारनामा अंजाम दिए, जो कि एक तारीख का हिस्सा है। दूसरी बात, नदीम कुरैशी साहब जो बातें कर रहे हैं कि ये सारे आइन और कानून पर अमल दरामद, तो ये किसके ऊपर होगा? जजेस को आप मानते नहीं है, सियासी पार्टियों को आप मानते नहीं है, आपका सिर्फ एक ही तरफ इशारा है कि आर्मी चीफ बात कर ले या DGSPR कर ले, तो उसको फिर ये जमहूरियत के खाते में तो नहीं है, जमरे में तो नहीं आता है, ये तो फिर दूसरी तरफ चले जाता है। तो मैं इनको अभी भी ये कहूँगा, जितने लाख इख्तलाफ के बावजूद कि आपको अभी भी सियासी तरीके से, और फिर दूसरी बात ये कि थोड़ी देर के लिए फर्ज कर दे कि आर्मी चीफ इनकी बातें मान ले, तो अगर पीपल्स पार्टी और नू लीग नहीं मानेंगे फिर क्या होगा? यही सूरत हाल होगी जो आज है। तो लिहाजा सियासी पार्टियों को आपस में बैठ के ये जो आवामी मसाइल है उनके उनको मिलजुल के इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर आप अदलिया को भी नहीं मानते हैं, चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे वक्त गुजरेगा तो PTI का ये जो टेम्परेचर है ये नीचे आएगा, क्योंकि अभी तो कई महीने गुजर गए, इलेक्शन हुए हैं, और आगे जाके जब 2-3 साल और गुजरेंगे तो मजीद इनका टेम्परेचर कम होगा और फिर ये आएंगे उसी सियासी मुज़ाकरात की तरफ, और नहीं आएंगे तो अपना टाइम ज़ाया करेंगे, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुश्ताक मीना साहब, ये अब क्या लग रहा है आपको, हुकूमत कैसे इंगेज करे? मंदू खेल साहब और उनकी जमात तो बार बार बात करती है मुफाहमत की, मुज़ाकरात की, कि सियासी कुव्वतों से ही बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पर है। आज भी इनके बानी का बयान है कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? अब अगर ये सिलसिला इतना ही हार्ड कोर स्टांस रहेगा तो आपको कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? अरबाब साहब, मैं PTI को कुछ तरह के जो आम मफहूम में जो सियासी जमात है उस तरह मैं उनको नहीं लेता। अच्छा, ये कल्ट है और इसकी आबियारी चंद फौजी जर्नलों ने की, और अरबों रुपया इनकी तशहीर के लिए खर्च किया गया, पूरी सिविल सोसाइटी को, असातिज़ा को, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करके एक हवा बनाई गई और उनकी लॉन्चिंग की गई 30 अक्टूबर 2011 में, और फिर 2013 में जब उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ तो 14 में धरना बैठा दिया गया। अब ये समझते हैं कि सियासी जमातों के हवाले से कि आवाम के जरा ये नुमाइंदे कभी भी नहीं रहे ना आप, तो ये समझते हैं तो फरवरी को इनके आजाद उम्मीदवार जो सबसे बड़ी तादाद में कामयाब हुए, फिर उनको जो लोगों ने वोट दिया वो जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, मैं ऑफिशियल फिगर की बात कर रहा हूँ कि उनको कोई मेजॉरिटी नहीं दी गई और ना कोई उनका कोई इतना बड़ा मैंडेट है जिस मैंडेट को ये हवा में उछाल रहे हैं। इनको चाहिए साकिब निसार साहब, बंदियाल साहब जैसे
लोग जजेस चाहिए, इनको जर्नैल चाहिए बाजवा साहब जैसे और फैज अमीर साहब जैसे, इनको अपने मर्जी की ब्यूरोक्रेसी चाहिए, इनको अपने मर्जी के मुखालफिन भी अपनी मर्जी के चाहिए। ये कोई ये फासिस्ट जमात है, ये कोई जमहूरी मानूम है, जो जमहूरी जमातें होते हैं ना इनका रवैया जमहूरी है ना इनकी उठान जमहूरी है। ये आरटीएस को बिठा के इनको लाया गया था और अब ये समझते हैं कि हम उसी तरीके से आ सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्म 45-47 इलेक्शन को मुतादा बनाना, क्योंकि इनको पता है कि सियासी जमातें इनकी सारी बाधेगिरी को जानते हैं, इसलिए वो सियासी जमातों पे नाला है। चलिए मुश्ताक साहब, वक्त थोड़ा कम है तो बस मैं चाह रहा हूँ आखिर में जरा आपका एक पॉइंट तो आ गया, जरा इस पर नदीम साहब भी रिएक्ट करें। नदीम साहब, जो इब्तदाई हिस्से में आपने सलूट पेश किया था मुश्ताक साहब को, वो बरकरार है या वो वापस लेने का मूड हो चुका है आपको? नहीं, देखे जहाँ कोई बात कानून और आईन की होगी, सच्चाई से होगी, हमें उसको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। मैं मुश्ताक मिनहास साहब की राय से इख्तलाफ जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करूं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब इन्होंने फरमा दिया, इन्होंने एक बहुत बड़ी चार्जशीट कर दी कि जी ये तो एक डिक्टेटर की बनाई हुई जमात है। फिर मैं इनसे गुजारिश करूंगा, कौम क्या हाफसा कितना भी वीक नहीं है जितना आपने बना दिया है, आप हुक्मरानों को आप भूल गए हैं। एक जमात जो आज हुक्मरान है उसका लीडर जनरल अय्यूब खान साहब को डैडी कहा करता था, किताबों का ये तारीख का हिस्सा है। मैंने तो नहीं कहा, मैं तो 102 में पैदा भी नहीं हुआ था। दूसरे साहब को गवर्नर जलानी साहब लेकर आए थे और जनरल जयाउल्लाह साहब ने उनको दुआ दी थी ताकि तो मेरी जिंदगी लग जाए, और मैंने तो खुद, मैं उन दिनों में कॉलेज का स्टूडेंट था जब मैं नवाज शरीफ साहब को देखा करता था। वो हर साल 17 अगस्त को जो 1988 में हादसा हुआ था जनरल जया के तैयारे का, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे शहीद हो गए थे, टॉप हमारी मिलिट्री की जो लीडरशिप थी शहीद हो गई थी, तो मैंने हर बार देखा फैसल बसीद उनको बातिल शिकर खिताब करते हुए, वो शोला बयान मुकर्रर बनकर कौम को बताया करते थे कि जनरल जया ने इस कौम के लिए क्या क्या खूबियां की है। ये तो वक्त की सतम जरीफी है कि इनके मफादात अब ब्रेक होने के करीब है दोनों जमातों के। ये दोनों जमातें मुतसादिम रही कम से कम 30 साल, जब इन्होंने देखा कि अवाम को शबूरी तौर पर इमरान खान वहां ले आया है कि अब लोग इनसे सवाल करते हैं, भाई आपके पास जो ये हक हुक्मरानी है इसका जवाब बताए। अब जब इनको लगा कि ये ब्रेक होने वाला सिस्टम है, ये इकट्ठे हो गए, अब इकट्ठे होकर मुल्क जहां पहुंच गया वो आपने देख लिया। मतलब कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की है, एक रात में हुकूमत बदली गई वहां। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, मुश्ताक मिनहास साहब, कादिर मौलवी साहब मौजूद थे, तमाम मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।